अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये वीडियो एक शख्स हमारे साथ में है जिनका नाम है अली। वो भिलवाड़ा पूर से है। वो मुझे भिलवाड़ा गंगापुर में मिला था और गंगापुर से वो हम लोगों के साथ में है। वो भाई से मिलने से पहले 2013 में उसके हाथ में टैटू, गले में चेन, कान में सोने का वो सब पहना हुआ था। जब भाई उसके घर की तरफ गए, हम लोग पूर में उसके घर पे स्टे किया था और स्टे करने के बाद में मैंने उसको सब कुछ बताया कि ये रिमूव करना है, ये करना है। फिर भाई से टैटू छुपाया उसने। फिर भाई ने उसका टैटू देखा और देखने के बाद उसको बोला। उसके बोलने के बाद में टैटू उसने जस्ट हम लोग पूर से निकल के हम लोग मांडल आए। मांडल पहुंचने तक उसका कॉल आया मेरे पास में और वो उसने मेरे को बोला कि अर्शद भाई, मैंने वो टैटू रिमूव कर दिया है और 18,000 फर्स्ट ट्रीटमेंट ही टैक्स। तो 18,000 उसका लगा और उसने टैटू रिमूव कर दिया। कुछ दिन बाद फिर उसके पास मेरे पास कॉल आया कि मेरे को भाई के साथ में आना है और भाई के साथ में रहना है कुछ दिन। वो कुछ दिन बाद भाई के हम लोगों के साथ में ज्वाइन हुआ और आज माशाल्लाह वो पांचों टाइम की नमाज साथ में पढ़ता है और अल्लाह का शुक्र है कि वो बिल्कुल इस्लामिक तौर तरीके के ऊपर आ गया है। ये अली है और इसका ये टैटू है जो इसने रिमूव किया, ट्रीटमेंट किया हुआ है और ये बताएगा कि कैसे क्या हुआ सब कुछ। 2013 में जब मैं चंडीगढ़, पंजाब चंडीगढ़ में रहता था तो ये सब कुछ ना ऐसे ही बना लिया था। ध्यान नहीं था शरीयत पे चलने का, कोई वो ऐसा कुछ भी नहीं था, नमाज वगैरह, गोल्ड वगैरह पहनना वगैरह वगैरह, न सारी चीज़ें जो कि इस्लाम में नहीं है वो सब चीज़ें मैं करता था। फिर भाई को जब देखा फर्स्ट टाइम गंगापुर में मैं भाई को लेने के लिए, दावत के लिए गया था अपने घर पर, तो भाई से छुपा रखा था टैटू। तो छुपाने के बाद फिर एकदम भाई की नज़र पड़ी तो भाई ने मुझे बहुत समझाया बैठा के कि ये सब कुछ ना हराम है, एक मुसलमान के लिए ये सब चीज़ें बनाना जायज़ नहीं है। और अगर मैं यही कहूँगा, अगर किसी भाई अगर ऐसा सोचता है बनाने के लिए तो प्लीज़ वो ना बनाए एक मुसलमान होके। और अगर किसी ने बना रखा है तो अल्लाह से दुआ करो और कैसे ना कैसे करके उसको हटाने की दुआ करो। नमाज नहीं पढ़ता था, नमाज वगैरह नहीं पढ़ता था, एक जुम्मे की नमाज पढ़ लेता था। फिर उसके बाद में जैसे भाई से मिला, भाई की दो बातें चार बातें सुनने के बाद में आज माशाल्लाह जैसे जो नमाज मिलती है भाई के साथ में अदा करते हैं। पहले मैं इसको छुपाता था नमाज में, और मतलब इनको छुपाने के बाद अब मैं ये इसको फिनिश कर दूंगा। कितने टाइम में हो जाएगा? 4 महीने में। लगाने में एक दिन होता है बट इसको निकालने में 4 मंथ लगेगा। और अभी एक ट्रीटमेंट, दो ट्रीटमेंट किया है, वजू नहीं होता है, नमाज नहीं होती है, कोई भी हलाल काम नहीं होता है। कितना पैसा है रिमूव करने का, डालने का कितना पैसा? 4 से 5 हजार। 2013 പിന്നെ അവന്റെ കൈമ്മൽ ടാറ്റു ഇട്ടിരുന്നു. അവൻ ജാർഖണ്ഡിൽ പഠിച്ച സമയത്ത് എന്നാ പറഞ്ഞത് അവൻ്റെ അവിടെ ഇസ്ലാമിക് പരമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും മദ്രസ പഠനമൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് ഇവർക്ക്. നല്ല മനസ്സുള്ള ആളുകളാണ് ഇവർക്ക്, പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനൊന്നും ആളുകളില്ലാത്തതുകൊണ്ടാവും ഒരു പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാരണം. രാജസ്ഥാനിലെ ആപ്കാ ഗാവ് കാ നാം ക്യാ ഹൈ? പൂർ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ വില്ലേജിലാണ് അവൻ താമസിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ആളുകളുടെ കയ്യിൽ ഞാൻ ടാറ്റു കാണാറുണ്ട്. അവർ, ഞാൻ വിചാരിക്കും ഇവര് മുസ്ലിങ്ങളല്ല, ഹിന്ദുക്കളാണെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും, ചാനദർ കാസ്റ്റ് ആണെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. അവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെ നിസ്കാരം ശരിയാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വുളുവ് ശരിയാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പറ്റൂല എന്ന് ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ ഇന്നങ്ങനെ മറച്ചു പിടിക്കുന്നുണ്ട്. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ
അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മറച്ചു പിടിക്കുമ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇതെന്താ കാര്യം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വളമ്പുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അത് കണ്ടപ്പോഴും ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞത് ഉള്ളു ശരിയാവൂല, നിസ്കാരം ശരിയാവൂല, നിസ്കാരം പോലും കറക്റ്റ് ഇവർക്ക് കിട്ടാത്തൊരു സാഹചര്യം. അങ്ങനെ ഇവന് പിന്നെ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നപ്പോൾ പിന്നെ അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അർഷാദ് ഇവനക്ക് ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഞാൻ ടാറ്റു റിമൂവ് ചെയ്യാണ്, എനിക്ക് ബായിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് നടക്കണം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓന് ടാറ്റു റിമൂവ് ചെയ്ത് ആ ഒരു സ്ലീവൊക്കെ ഇട്ടുങ്ങാണ്ടാണ് വന്നിരുന്നത് ഞാനിരുന്ന പോലത്തെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇവൻ പെയിൻ ഇത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിക്കത് റിമൂവ് ആക്കാൻ 18,000 rupees കൊടുത്തുങ്ങാണ്ടാണ് അവൻ റിമൂവ് ചെയ്ത്. പഠിച്ചോൻ അവൻ്റെ ഇത് സ്വീകരിക്കട്ടെ, ആമീൻ. അള്ളാഹു തആല ഹിദായത്ത് കൊടുക്കട്ടെ, നല്ല മനസ്സും നല്ല ബുദ്ധിയും കൊടുക്കട്ടെ, സോലിഹീങ്ങളിൽ നമ്മളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ, നമ്മളെ മക്കളെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. ഈ ആ ഇടാനൊരു ദിവസം മിനിറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മണിക്കൂറുകൾ മതി ഇത് ചെയ്യാൻ. 4,000-5,000 rupees ആവുള്ളൂ ഇത് ഇടാൻ. ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ 18,000 rupees വന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന്. ഇനി അതിന് വേറെ കഴിഞ്ഞ് 4 months കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഏകദേശം 7 months പിടിക്കും ഇത് റിമൂവ് ആയി പോകണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അവന് അള്ളാഹു തആല പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ, അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ചെയ്തതാണ്. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പേരിങ്ങനെ ടാറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഇടുന്നുണ്ട്, നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നമ്മൾ നിസ്കാരം ശരിയാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു. ഇപ്പം കറക്റ്റ് 5 നിസ്കാരം, വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിലേക്ക് മാത്രം പോകുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പം നിസ്കാരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് അള്ളാഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ, നമുക്കൊക്കെ അതിൻ്റെ ബർക്കത്ത് ഉണ്ടാവട്ടെ ഇൻഷാല്ലാ. ഇതിനെ കുറിച്ച് അതെ അതെ, ഇതിങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നലെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ അതിലിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടിട്ട് ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് കുറച്ച് ആളുകൾ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഓലെന്നെ പറയാ ഹിന്ദിയിൽ. ഹിന്ദി ഇങ്ങനെ ഈ ഏരിയയിലാണ്, നോർത്ത് ഏരിയയിലാണ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കൂടുതലുള്ളത് ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ. അപ്പോൾ അത് ഒരു മെസ്സേജ് ആവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ചോ നല്ലൊരു അമലായി സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇത്. ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഖിറത്തിൽ ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു അമലാവട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്ത്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. മേ ബിൽവാഡ രാജസ്ഥാൻ സിയാബ് ഭായി ഖിദ്മത് കേ ലിയേ ആയാ ഹൂം ഓർ മേരാ നോൺ വെജ് കാ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഹേ اور الحمد للہ اچھا چلتا ہے اللہ کا شکر ہے سیاب بھائی کی دعا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی خدمت کا موقع دیا ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے اور رب تعالیٰ اور حضور پاک کا صدقہ ہے ان کا احسان ہے میرے مولا کریم کا کہ ہمیں اس شخصیت کی خدمت کرنے کا موقع ملا ہے الحمد للہ اللہ کا بہت احسان ہے ان کے ساتھ ہم رہنے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور الحمد للہ سیاب بھائی کا نیچر بولنا اٹھنا بیٹھنا سب الحمد للہ شریعت کے مطابق ہے اور یہ فوٹو ویڈیوگرافی یہ نہیں کرتے ہیں مگر لوگوں کو ایک عقیدہ دیں کسی کو ناراض نہیں کر کے بھیجتے ہیں اور الحمدللہ بہت سب کچھ اچھا ہے ہم سب بھائی لوگ مجو بھائی ہے سب بھائی لوگوں کا بہت الحمدللہ شکر ہے اسلام علیکم جی میرا نام محسن حیدر ہے میں ادے پور سے ہوں اور بھائی کے ساتھ میں رہنے کا ایک مقصد کہ ہم تو کبھی جا نہیں پائیں گے حج پیدل بھائی کے سفر میں ساتھ رکھ کے ان کی خدمت کر کے اور سفر میں بھائی سے امت کے لیے دعا کرائیں یہ مقصد تھا بھائی نے بول دیا جی اور بھائی کا الحمدللہ 5 نماز کا ساتھ میں جو ہم میں سے کتنے ایسے تھے جو ریگولر نمازی نہیں تھے 5 وہ 5 نمازی ہیں وقت پہ اٹھنا وقت سے چلنا ساری چیزیں سسٹمیٹک مطلب ڈسپلن کے ساتھ میں جی ہاں اور میں پچھلے مسجد کمیٹی ہماری جو 80 ہے وہاں پہ میں کیشئر ہوں اور بھائی جاب میں کمپیوٹر آپریٹر اسٹینو ہوں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ارشد خان ہے, میں ادے پور ملاتلی 80 سے ہوں اور میرا پروفیشن میرا خود کا کمپنی ہے اسٹیج گیئر کے نام سے جو ساؤنڈ لائٹس رینٹل بیسڈ کمپنی ہے ادے پور میں. اور میں بھائی سے کھیرواڑا اتیتھی ہوٹل پہ ملنے کے لیے گیا تھا بٹ میں بھائی سے نہیں مل پایا, میں حاجی صاحب سے ملا تھا. اس کے بعد انشاءاللہ میں نے بھائی کو ٹی ڈی سے ہم لوگ بھائی کے ساتھ میں تھے, میں اور میری ساری ٹیم محسن بھائی اسلم شاداب سب لوگ ساتھ میں تھے وہاں سے. اور اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے بھائی کے ساتھ میں ہوئے کچھ دور. ہم لوگوں کا پلان تھا کہ ادے پور ہی کراس کرائیں گے بٹ اس کے بعد آگے جانے کے بعد ہم لوگوں کو لگا کہ نہیں, ہم لوگ بھائی سے الگ نہیں ہو سکتے. اور کچھ دن بعد ہم گنگا پور پہنچے. گنگا پور پہنچنے کے بعد بھائی 2 ادھر ہی اسٹے کیا. اور جب میں گھر پہ گیا 2 کے لیے محرم کے ٹائم پہ, جب ریٹرن آنے لگا تو میرا ایک فرینڈ کا کال آیا بنگلور سے آصف کا. اس نے مجھے بتایا کہ بھائی اور آصف دونوں ایک اچھے دوست تھے اور پورا پلان بھائی کا آصف نے کیا ہے.
उसको मैंने भाई को आके ये चीज़ बताई तो भाई भी शॉक हो गए थे कुछ टाइम के लिए। और अल्लाह ही बेहतर जानता है कि अल्लाह कहाँ से कहाँ रिलेशन निकालता है। और उसके बाद भाई से हम लोग कोई अलग नहीं हुए और हम लोग इंशाल्लाह भाई के साथ में वाघा बॉर्डर तक जाएंगे और अगर अल्लाह ने चाहा तो मक्का भी जाएंगे। अच्छा शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाकिर चांद, मैं सूरत कीम से, मैं मांजू भाई और डॉक्टर हम लोग एक साथ में जुड़े भाई के साथ में, हम लोग भाई की खिदमत के लिए आए हैं इंशाल्लाह। वापस घर गए थे, फिर वापस भाई ने फ़ोन करके बुलाया कि आप लोग वापस आ जाओ, मैं और मांजू भाई और डॉक्टर साहब हम लोग वापस अभी आए हैं इंशाल्लाह। वाघा बॉर्डर तक हम लोग भाई के साथ में जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मेरा नाम परवेज अख्तर है, मैं पंजाब के शहर मलेरकोटला से हूँ। मैंने ज़िया भाई का एक छोटा सा वीडियो देखा यूट्यूब पे, तो तभी से मेरे दिल में ये ख्याल आया कि इनसे मिलना चाहिए। तो मैं अपना मोटरसाइकिल लेके गुजरात मोड़ासा शहर में पहुँचा भाई को मिलने के लिए। सिर्फ मिलना चाहता था कि एक बार मिल लूँ भाई से। लेकिन वहाँ जब मोड़ासा में हम सवेरा होटल पर भाई के पास पहुँचे तो मेरे मुँह से अपने आप निकल गया कि मैं आपके साथ वाघा बॉर्डर तक चलना चाहता हूँ। तो तभी से मैं भाई के साथ चल रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह दिल को बहुत सुकून है। और बीच में मैं एक बार घर भी गया लेकिन वहाँ पे दिल नहीं लगा, फिर दोबारा से आ गया मैं राजस्थान में भाई के पास। फिर भाई असलम भाई, मेरा नाम सैयद असलम अली है, मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ। सैयद फैमिली मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ। बस भाई की मोहब्बत में हम लोग यहाँ पर हैं और हमको जोड़ने वाले हमारे अरशद भाई जो उदयपुर से ही हैं। अरशद भाई के साथ हम फर्स्ट टाइम जो अरशद भाई ने बोला अतिथि पैलेस में गए थे, तो हम खेरवाड़ अतिथि पैलेस से भाई के साथ जुड़े हुए हैं और इंशाल्लाह हम आगे बॉर्डर तक भाई के साथ रहेंगे। और अभी जो हम लोगों में मोहब्बत है, हम यही चाहेंगे कि बाद में भी हमारे बीच यही मोहब्बत बनी रहे। और भाई से यही बोलेंगे कि बस सबके लिए दुआ करें और सबके लिए अच्छा करें। अस्सलामुअलैकुम, मैं पंजाब से, पंजाब में मलेरकोटला से, मेरा नाम मोहम्मद इशफाक। हम भाई के साथ गुजरात से चल रहे हैं और वाघा बॉर्डर तक चलेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है और दिल से लग रहे हैं, दिल से हम भाई के साथ चले हैं और भाई की खिदमत कर रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, मैं उदयपुर शहर के खैरवाड़ा कस्बे से बिलोंग करता हूँ। फर्स्ट टाइम जब भाई का सुना कि भाई पैदल हज को चल रहे हैं तो फर्स्ट टाइम तो दिल में बहुत खुशी हुई। जब भाई से जब मुलाकात हुई तो भाई की हर हर अदा पे मैं वारी चला गया। और वही बात, ज़्यादा कुछ तो बोलूँगा नहीं, बस उसी काफिले के साथ, कारवे के साथ हम चलते गए और भाई के साथ अब तक तो यहाँ पहुँचे और इंशाअल्लाह वाघा बॉर्डर तक भी भाई के साथ जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम, मैं भिलवाड़ा राजस्थानपुर से हूँ। हम भाई की सुन के, हम चार जने भिलवाड़ा से राजसमंद के पास कोई शिवम होटल है वहाँ पे भाई को देखने और भाई से मिलने के लिए हम चार जने गए थे। कंटिन्यू गंगापुर तक हम छः बार गए थे। फिर भाई के एक बार मुलाकात हुई अरशद भाई से, फिर भाई के दीदार किए और बात करी हमने कि हमारे घर के लिए दावत देने के लिए, तो भाई ने कबूल की। फिर आए, फिर हम आके हमारी पूरा मैनेजमेंट देखा, फिर हमने भिलवाड़ा क्रॉस कराने की सोचा था लेकिन दिल में ऐसी मोहब्बत आई कि वाघा बॉर्डर तक का वादा कर लिया और आज भाई के साथ है और खिदमत कर रहे हैं भाई की माशाल्लाह। भाई ने जब उठाया हमारे को नमाज के लिए, आज पाँचों वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जी मैं भाई साजिद अली मेवाती भिलवाड़ापुर से। जब हम लोग को पता लगा कि भाई भिलवाड़ा रूट पर आ रहे हैं तो भाई के हम साथ भिलवाड़ा से, सॉरी के वहीं
राजनगर से भाई के साथ होने की कोशिश की लेकिन नहीं हुआ है। फिर अरशद भाई से बात करके ना अपने घर पे दावत के लिए लाना चाहते थे, तो माशाल्लाह दावत वगैरह होने के बाद में जब भाई ने कुछ बातें ऐसी बोली तो मतलब के अब ऐसा लगता है कि यार भाई मतलब इतनी कुछ बोला है कि उन्होंने समझाया नवाज वगैरह टैटू वगैरह गोल्ड वगैरह इनों को सब खोलने के बाद में। तो फिर लेकिन जब मैंने अरशद भाई को फ़ोन किया कि भाई आप एक बार मेरे को वापस भाई को खिदमत का मौका दो, मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, तो अरशद भाई ने बोला आप आइए। फिर मैं टैटू वगैरह रिमूव करा के ना भाई के साथ में वापस ज्वाइन होने की कोशिश किया और अल्हम्दुलिल्लाह भाई बहुत अच्छे हैं। भाई हर मुसलमान को शरीयत के लिए बोलते हैं कि शरीयत पे चलो, नमाज पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह अपने औरतें वगैरह को सबको यही रास्ते में बोलते हुए जाते हैं कि पर्दे में रहो, हिजाब में रहो, लेकिन मेरी बहनों और मेरे भाइयों सबसे यही गुजारिश है कि जो भाई बोलते हैं वो सब करो। उनको एक मैसेज ये होता है बोलने के लिए कि आप एक मुसलमान के लिए यही होता है कि बस अल्लाह की राह पर चलो। और बस अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यही दुआ है कि सब भाई और बहनों से ये गुजारिश है कि अल्लाह मतलब भाई का सफ़र आसान करे। अस्सलामुअलैकुम एंड वेर फारूक नाने आने कोई कोड़ाने शियाब के वीटल में नारंगिया समय तेरे न्यूज़ के टटाने याने शियाब के डे कोड़ा कोड़ना ना आग्रह चे अल्लाह ने तीर्मान प्रकार याने दा ഷേഫ്കയുടെ കൂടെ ഉണ്ട് കുറച്ച് കാലമായിട്ട്, ഒരു രണ്ട് മാസത്തിൻ്റെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഏതുവരെ പോകുന്ന അറിയില്ല, വാഗാ ബോർഡർ വരെയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് എൻഡ്. അത് കഴിഞ്ഞൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ, അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകണം. നിങ്ങൾ അതുപോലെ എന്തായാലും ഉൾപ്പെടുത്തുക. അസ്സലാമു അലൈക്കും, മേ നാം മുഹമ്മദ് ആസിഫ് ഖുറേഷി ഹെ, മുംബൈ സെ ഹൂ. അപ്പ സിയാബ് ഭായ കാ പതാ ചലാ കെ സിയാബ് ഭായ ഹമാരെ ഹോം ടൗൺ മേ और हमारे रिश्तेदार के घर पर रफीक मंडिला जी के घर पर रुकने वाले हैं. तो हम लोग भी सियाब भाई से मिले, मुंबई से यहाँ तक आए हैं. हम लोग कल ही पहुँचे यहाँ पर मुंबई से, तो सियाब भाई से मिले, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा. और हम लोग चाहते हैं कि इनके साथ थोड़ी देर और चले और जुड़े इनके साथ, तो अल्लाह कबूल करे हमको भी और सियाब भाई की हर एक कुर्बानी को अल्लाह कबूल करे. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु. मेरा नाम है मोहम्मद मुश्ताक हाजी, मैं कर्नाटक है. हमारा भाई का साथ कर्नाटक से चालू से भी हम लोग उनका स्टार्टिंग से भी थोड़ा फॉलोअप कर रहे हैं, करके उनका साथी आ रहे हैं. अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक भी हमारा कोई भी कम भी नहीं है, कोई भी मुश्किल भी नहीं है. पूरा भी हमारा आगे जाने का बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से बहुत आसान भी हो रहा है. और उसका साथ खिदमत के लिए भी बहुत आदमी बहुत बोलो तो बहुत आदमी थोड़ा पूछ रहे हैं, मेरे साथ भी पूछ रहे, आज के साथ हमारा भाई साहब भी पूछ रहे, हम लोग आपका साथ आगे जोड़ते जोड़ते. लेकिन अभी इतना आदमी का कुछ आपको इंट्रोडक्शन करके दिया है ना, ये पूरा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने उसको देख के उनका प्यार मोहब्बत देख के हम लोग उनका साथ है ना हमारा साथ रख के अभी आ रहे हैं. हम लोग अभी तक भी हमारे पास एक टीम है, पहले कर्नाटक का टीम था, पहले कर्नाटक केरल का कर्नाटक बॉर्डर क्रॉस आने के बाद उधर एक टीम लगाए थे, वो टीम महाराष्ट्र तक भी हमारा साथी था महाराष्ट्र तक. उसके बाद ईद के लिए वो टीम गांव को गया, उसके बाद हम लोग ज़्यादा तो अभी महाराष्ट्र जाने के बाद आदमी ज़्यादा भीड़ नहीं रहेगा, कुछ पब्लिक क्राउड नहीं रहेगा, थोड़ा अलहमदिल्ला अच्छा तरफ से चल रहा है बोल के हमारा पूरा टीम का सोच था. इसलिए हम लोग क्या किया, उधर ही महाराष्ट्र से उसको है ना उधर ही गांव को भेजा थे हम लोग. लेकिन हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किया था गुजरात में और राजस्थान में इतना आदमी का भीड़ होएगा, इतना आदमी रश क्रोड होएगा, हमारा भाई को देखने के लिए आएगा, सलाम के लिए दुआ के लिए आएगा बोल के हम लोग सोचा भी नहीं. इसलिए हम लोग क्या है ना उधर का आदमी है पूरा कर्नाटक का आदमी पूरा गाँव को चले गए थे. फिर ईद के बाद आए नहीं, आसपास का भाई उधर ही सूरत आने में ना एकदम आदमी का भीड़ लगा. उसके बाद भी सूरत का भी एक टीम है, माजू भाई का डॉक्टर अयाज भाई है हमारा और दूसरा दो है वो सब है ना हमारा साथी है. उसका माजू भाई का बरकत भाई भी था और अनु भाई बोल के उसका अंकल भी थे और उधर का हमारा एक बंदा है था हमारा कुतुबुद्दीन बोल के, वो भी हमारे लिए बहुत सारा उधर का बहुत सारा हमारे लिए अरेंजमेंट किया कुतुबी है. ये पूरा टीम है ना हमारा साथ में जोड़ के हमारा गुजरात से राजस्थान बॉर्डर तक भी एक बहुत बड़ा मेहनत बोल के बोल सकते हैं. क्योंकि है ना आप लोग सब भी वीडियो भी देखा है उधर का हालात और वो पुलिस का सपोर्ट भी हमारे लिए उतना मिला है. हमारे आसान से इजी से हम लोग है ना वो बॉर्डर भी क्रॉस करके दिन का हमारा कितना टारगेट है वो टारगेट भी ख़त्म करके हम लोग आ रहा है. खाने पीने में चलने में कुछ भी दिक्कत नहीं है, उतना ही भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा अच्छा तरफ से मिला है.
ऐसा भी सेम हम लोग राजस्थान एंट्री होते थे, हमारा अरशद का भी मुलाकात हुआ, वो भी उनका भी एक टीम आया उदयपुर से, वो भी अलहमदिल्ला उनका भी मेरे ख्याल से 5-6 आदमी है, वो भी हमारा साथ भी जोड़ के आए। ये पूरा है ना क्या है ना, हमारा भाई को एकदम फ्रेंडली जैसा हो रहा है, पूरा भी फ्रेंडली जैसा है, हमारा साथ भी साथ में खाना खा रहा है, साथ में सो रहा है, साथ में एक ही एकोमोडेशन में पूरा भी इन्वॉल्व होकर उधर ही हमारा एकोमोडेट हो रहा है, सबका खाने पीने का, नमाज पढ़ने का पूरा भी थोड़ा उधर ही उधर ही तापेल है अलहमदिल्ला। अभी सब भी है ना नमाजी है, अभी एक आदमी का टैटू का भी आपको पूरा भी मालूम है, वो भी ऐसा भी है ना बहुत सारा हो रहा है, लेकिन उन्होंने बहुत मोहब्बत से वो हमारे से कुछ रिक्वेस्ट किया, मैं भी आपका साथ आता हूँ, इतना बड़ा कुर्बानी की उन्हें भी किया है, वो भी इसके लिए थोड़ा लेके जाने का अच्छा आदमी का आगे थोड़ा अच्छे मैसेज देंगे बोल के हम लोग क्या किया, उनको भी हमारा साथ में रखे ना, आज एक मौका मिला है अलहमदिल्ला, उनका साथ ही एक वीडियो भी बना है, वो अलग तरफ से एक वीडियो भी है टैटू का रिमूव करने का, क्या हकीकत है क्या है वो ये एक मैसेज देने के लिए। अभी हमारा सफ़र है करीबन एक 250-300 किलोमीटर का सफ़र है वाघा बॉर्डर तक, अभी हमारा टीम पूरा भी है ना उसका हमारा भाई का साथ रोज़ भी रोटेशन करके कितना कौन सा भी मिनट में हम लोग निकालते हैं रूम से या होटल से या मस्जिद से घर से कभी भी निकालते रात या दिन या वो कोई भी देखते नहीं, हमारा टीम एकदम रेडी रहता है उसमें हिसाब से क्या उनके साथ में, वो बाइक का स्पीड तो अलग ही है माशाल्लाह, वो चलते हैं ना उसका साथ में भी सब भी उतना सेम। कल एक सीएस साहब भी आए थे, वो बड़ा सीएस अभी पोस्ट का पुलिस डिपार्टमेंट का राजेंद्र कमांडो बोल के वो भी आए थे, लेकिन मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है आपका टीम भी, आप टीम को भी आप ऐसा भी ट्रेन किया है, वो भी उतना आपका बाइक का जैसे भी ये चल रहा है, मैं देख के मेरे को भी बहुत खुश हुआ, बल्कि रात अभी यस्टरडे नाइट उन्होंने बात किया, लेकिन अलहमदिल्ला वो सब भी है ना देखे तो पूरा आदमी हमारे पास कितना टीम है वो पूरा बोल रहे हम लोग दिन में एक या दो किलोमीटर भी हम लोग नहीं चलता था, पूरा भी गाड़ी लेके घूमता था हम लोग बाइक के साथ, इतना चल रहे हैं ना हमारे लिए कोई भी तकलीफ नहीं है, हमारे लिए क्या गाँव को जाना है हमारा बिजनेस देखना है किसका भी दिल में ऐसा भी नहीं है, नहीं हम लोग पूरा बाइक के साथ रहना हमारा एकदम हमारा एक्टिव है, हम लोग हमारा टोटली हमारा एक्टिविटी भी चेंज हुआ बल्कि ऐसा कुछ है, लेकिन मेरे को भी आज भी तक भी है ना बहुत सारा, अभी मैं कल जोधपुर में एयरपोर्ट से आने में उधर के भी एक टीम है हमारे लिए कुछ आने के लिए साथ में आने के लिए थोड़ा मौका दे दो, एक बॉम्बे का एक बंदा भी वो समीर बोल के वो भी मेरे से बहुत सारा फॉलोअप कर रहा था, मैं भी आपका साथ आता आपका साथ वो, लेकिन है ना उधर किशनगढ़ तक भी था लेकिन हमारे साथ में जुड़ा नहीं, क्योंकि है ना हमारा टीम कैसा है ना अभी तो टीम अलहमदिल्ला बहुत बढ़िया टीम है, ये टीम से है ना भाई को भी बहुत अच्छा तरफ से आसान हो रहा है, अच्छा तरफ से भी निकल रहे, फिर भी हम लोग उधर उधर का उसमें अंदर का डाला तो कुछ मुश्किल हो जाएगा बोल के हम लोग किसके भी अभी इन्वॉल्व नहीं किया, लेकिन मोहब्बत है प्यार है, भाई का भी दुआ है, उनको भी दुआ दे रहा है रात में सब जगह में भी रास्ते में दे रहा है, दिन रात कभी भी हम लोग बाहर निकले तो आदमी है, अभी भी हम लोग 2 दिन का इधर रेस्ट के लिए किया है, फिर भी गेट के पास है ना 2 बार जाके सलाम बोल के भी आया, फिर भी आदमी आके एक बार भाई से सलाम करो बोल के बोलते हैं, ये पूरा देखे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रास्ते से ये पूरा है ना राज़ी होके आदमी पूरा है ना रोड पर किधर कितना कितना किलोमीटर, अभी एक बंदा है कर्नाटक से है, कर्नाटक के बेलगाम से उनको भाई को मिलने के लिए फ्लाइट से जयपुर से फ्लाइट से आके बस में आके अभी मिल के गया है, ऐसा भी बहुत सारा लोग 300-400-1000 किलोमीटर तक भी आ रहे हैं, पंजाब से भी पहले भी आ रहे हैं, नेपाल से भी आ रहा है, ये पूरा क्या ना भाई का मोहब्बत है, ये अल्लाह का रास्ते से जा रहा है बोल के, कोई भी सेलिब्रिटी नहीं है कुछ भी जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रास्ते में जा रहे हैं उसका वो आवाज़ के लिए वो इधर गया है, इसलिए आदमी के ना पूरा ये भीड़ देख के है ना आदमी सबको अभी हिंदू या मुस्लिम्स हो सबको भी सिख, हम लोग बहुत सारा सिख आदमी का भी होटल में घर में भी रुका था नमाज के लिए रुका है, वो भी बहुत प्यारा दिल प्यार से भी करके दिया है, वो पूरा सब बहुत सारा वीडियो भी हमारे क्या ये वीडियो हम लोग ब्लॉगर्स भी नहीं है हमारा टीम में कुछ भी कोई ब्लॉगर्स नहीं है, लेकिन सिर्फ करते हैं हम लोग ऑफिशियल अपडेट, कोई से भी कौन सा चीज़ अभी हमारे लिए कुछ आदमी को पहुँचाना है ना वो चीज़ के लिए हम लोग सिर्फ बनाता है, और दूसरा कुछ भी मार्केटिंग करने का भाई को कुछ बहुत सारा ऐसा कुछ जाता है वायरल हो रहा है इनकम करने के लिए करता है ऐसा ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है इसमें, आप लोगों को भी मालूम है हमारा ये सब है ना पूरा ऑफिशियल है, हमारा टीम तो देखे पूरा भी प्रोफेशनल आदमी, कोई भी काम के लिए हम लोग नहीं लिया है किसका कुछ है, उसको सैलरी दे के नहीं रखा है पूरा भी है ना उसका ओन बिजनेस है, सबका भी मेरा भी ओन बिजनेस है सबका भी ओन बिजनेस है, डॉक्टर का प्रोफेशनल डॉक्टर भी बोल रहे हैं मिलिट्री पर्सन भी बोल रहे हैं, लेकिन कुछ
बहुत बड़ा बिजनेस भी बोल रहे, कुछ भी नहीं, ऐसा भी नहीं, हकीकत पूरा कभी मालूम है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो हमारा बाकी एक वागा बॉर्डर हमारा इंडिया का एक सफ़र, इंडिया बाद में पाकिस्तान और ईरान, इराक, कुवैत एंड हमारा लास्ट फाइनल रहेगा हमारा डेस्टिनेशन इंशाल्लाह सऊदी अरब रहेगा। अभी तो हम लोग ख़त्म कर रहे हैं, ज़्यादा लंबा सफ़र है हमारा इंडिया का है, ये ज़्यादा लंबा सफ़र है, ये हम लोग ख़त्म करने के लिए अभी 250 या 300 किलोमीटर का तो कुछ बाकी है। ये सबसे बड़ा, ये अभी सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान, ओके सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान है, लेकिन राजस्थान में कुछ बोलते थे, मैं पहले बोला है राजस्थान गुजरात में हमारे आदमी कोई भी नहीं मिलेगा बोल के, लेकिन आज देखे तो इधर का सबसे बड़ा दूसरा, हम लोग पीछे से हम लोग स्टेट ख़त्म करके आया, क्रॉस करके आए ना, ज़्यादा तो ज़्यादा आगे जाते जाते ना एकदम हमारे लिए आदमी का भीड़ है, आदमी का बहुत दुआ के लिए वो वेट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सबके लिए ना अल्लाह की तरफ से भी, इसका रास्ते की तरफ से भी दुआ है। कोई भी हमारे लिए नहीं मिला, हम लोग देख नहीं पाया, देखने को मिला नहीं, बोल कर कोई भी बेजार मत करने का, कोई भी नाराज़ मत करने का, सबके लिए ना दुआ, तो भाई को इंडिया का सबके लिए, दुनिया का सबके लिए भी, मुस्लिम या मोमिन सबके लिए भी दुआ है। कोई हमारा प्रोटेक्शन दिया है पुलिस लोग, सब डिपार्टमेंट को भी है ना, उसको भी भाई से दुआ है इंशाल्लाह हम आगे का भाई का पाकिस्तान क्रॉस होता है, आगे के कंट्री में पहुँचता है, आगे के लंबा सफ़र है, सफ़र के लिए सब दुआ में, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए उसको, दुआ सब सिर्फ सबका दुआ चाहिए, और दुआ के लिए उसका रिक्वेस्ट है। और भाई भी वो आज जाएगा, उनका सफ़र जाएगा एक कदम में भी, पूरा दुनिया के लिए भी दुआ है इंशाल्लाह, हमारे टीम के लिए भी सब दुआ करना, सबके लिए भी थोड़ा उनको उनका भी थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा खुद का, वो भी पूरा सॉल्यूशन ये उसका सफ़र में भी कंप्लीट होना है, उसका भी मिलना है इंशाल्लाह, सबका भी है ना दुआ करने के लिए, आपका सब मैंने रिक्वेस्ट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। अस्सलाम वालेकुम, मैं यहिया खान इस मंडेलिया फार्म का मैनेजर हूँ, रफ़ीक मंडेलिया जी के यहाँ पे पूरा मैनेजर का पूरा जॉब मैं देखता हूँ, और अल्लाह के करम से और पता नहीं किस बुज़ुर्गों की देन से आज सियाब भाई हमें सेवा करने का मौका दिया, उनकी खिदमत करने का हमें मौका मिला, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतना प्राउडली फील हो रहा है कि एक इतना नाइस पर्सन है सियाब भाई, उसकी खिदमत करने के लिए हमें मौका मिला, हमारा पैलेस उन्होंने चुना, इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया है। और रफ़ीक मंडेलिया जी जो हमारे मतलब दिन के अंदर 70 फ़ोन आते हैं साहब के लिए, पूछते हैं कि उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, उनको किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और इतना अच्छे से अच्छा उनके लिए हर चीज़ किया जाए। वो थोड़ा बीमार चल रहे थे इसलिए आ नहीं पाए, नहीं तो वो खुद आपके खिदमत में यहाँ पेश होते, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भाई को उन्होंने इनवाइट किया है कि विद फैमिली यहाँ पे जब वो हज करके आएंगे तो विद फैमिली सियाब भाई को इनवाइट किया है, जब हज उनका हो जाएगा उसके बाद में इंशाल्लाह वो मिलने के लिए आएंगे, और हम यही दुआ करते हैं कि भाई का रास्ता ज़्यादा से ज़्यादा और सबसे शानदार तरीके से इनको इनकी मंजिल मिले, और हम सब के लिए दुआ करके आए इंशाल्लाह हमें भी हज की ज़ियारत करने के मौका मिले, और भाई का रास्ता आसान हो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।